मुरादाबाद में राजकीय नर्सेस संघ का वार्षिक चुनाव संपन्न कराया गया, जहां पर नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने के साथ साथ उनसे अपेक्षा की गई कि वे अपने साथियों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगी। पूर्व जिला अध्यक्ष शालिनी भटनागर ने बताया कि वार्षिक चुनाव आज संपन्न कराया गया है, जहां पर अध्यक्ष की जिम्मेदारी पूनम मैसी को, अध्यक्ष महामंत्री प्रतिमा सिंह को बनाया गया है। साथ ही कई और पद की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। सिटी चैनल से बात करते हुए शालिनी भटनागर ने बताया कि सभी साथियों की समस्याओं का समाधान कराने के साथ साथ ये सभी पदाधिकारी काम करेंगे, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में आम जनता की मदद करेंगे। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भी यही है। आज शांतिपूर्ण माहौल में वार्षिक चुनाव संपन्न कराया गया है, जिसमें सभी साथियों का भरपूर योगदान रहा है। ये राजकीय नर्सेस संघ का द्विवर्षीय चुनाव था, जिसमें अधिवेशन चुनाव दोनों ही था, और इसमें हमारे यहाँ अध्यक्ष नव निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं, जिसमें श्रीमती पूनम मैसी हमारे यहाँ अध्यक्ष चुनी गई है राजकीय नर्सेस संघ जिला शाखा जिला मुरादाबाद से, और जिला मंत्री हमारे यहाँ श्रीमती प्रतिमा जो है वो हमारे यहाँ जिला मंत्री है। और क्या कार्य रहेगा इन लोगों का? क्या ये लोग अपने कार्य जो भी हैं, इनके पेशेंट का भी है, और अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या किसी का भी शोषण होता है तो उसके में भी ये थोड़ा सा ये है कि अधिकारी को जाके समझाना, बताना, अपने अधिकार के लिए लड़ना, अपने से मतलब ये अपने साथ वालों के लिए। अगर किसी को कोई परेशानी है, जैसे ऑफिस में जाते हैं तो अक्सर बाबू यही कहते हैं कल आना, परसों आना, ये काम नहीं, वो काम नहीं, इन सब चीज़ों को लेके अपनी मांगों और अपने अधिकार, जो हमारे अधिकार हैं, अगर वो हमें समय से नहीं मिले या हमें ये कहा कि कल है, परसों है, आज आ जाओ, कल आ जाओ, फिर यह होता कि आप अपने नेता को भेजो, नेता से भी कह दिया जाता अरे कुछ नहीं, भाई हो जाएगा काम, या पैसों की डिमांड, तो उस सब चीजों के लिए एक संगठन काम का है। संगठन का काम ही होता है कि सबको संगठित करके चलना और अपने अधिकार क्षेत्र में अधिकार